वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 2 अप्रैल 2021 और 2 अप्रैल 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्कल दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। उत्कल दिवस या उत्कल दिवासा भी इसे कहते हैं और उड़ीसा दिवस भी इसी को कहते हैं। अब ये 1 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 अप्रैल को उड़ीसा अस्तित्व में आया। 1936 में 1 अप्रैल के दिन उड़ीसा अस्तित्व में आया था। इस बार 86वां उत्कल दिवस ये मनाया गया है। अब उड़ीसा की बात है तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा की गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। उड़ीसा में है वेलर द्वीप और वेलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा में अभी मिशन 0F शुरू किया गया है, इसके तहत अब किसी को भी फेल नहीं किया जाएगा। स्वच्छ बिंदु सागर पहल ये उड़ीसा में शुरू हुई। गरिमा नाम की एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है और गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अच्छा, चिल्का लेक भी उड़ीसा में है। चिल्का लेक ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में रसिकुलिया बीच है और गोल्डन बीच है। अभी परिश्रम पोर्टल उड़ीसा में लॉन्च किया गया है और अभी जो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया था उसमें उड़ीसा टॉप पर रहा था। और अब तक का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा के राउरकेला में बन रहा है। उड़ीसा में लिंगराज का टेंपल है, कोणार्क टेंपल है और जगन्नाथ टेंपल है। उड़ीसा में अभी सेचा समाधान ऐप लॉन्च हुई। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया गया। सास अभियान उड़ीसा में शुरू हुआ। नंदन कानन चिड़ियाघर उड़ीसा में है। सबूज पहल ये उड़ीसा में शुरू हुई। और उड़ीसा में रज पर्व मनाया जाता है। चैत्र जात्रा उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग मोड कर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो लेकिन डेली मॉर्निंग मोड कर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की? तो अभी पंजाब गवर्नमेंट ने, पंजाब की जो स्टेट गवर्नमेंट की बसें हैं उनमें महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जो पंजाब की स्टेट रोडवेज है अब उसमें पंजाब की महिलाएं मुफ्त में ट्रेवल कर पाएंगी। अब ये घोषणा पंजाब ने की है तो ये है मैप पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के गवर्नर कौन है? बीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो अभी रजनीकांत को प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन सीट्स पर रहा? तो अभी आईसीसी ओडीआई यानी कि वनडे इंटरनेशनल बैट्समैन रैंकिंग जारी की गई है, इसमें विराट कोहली टॉप पर रहे हैं। तो उस क्वेश्चन का से ऑप्शन से बाबर आजम सेकंड नंबर पर आए हैं और रोहित शर्मा थर्ड नंबर पर आए हैं। तो विराट कोहली इस लिस्ट में टॉप पर है। अब आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई? 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई में। इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग वार्कले। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? मनु साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सूरत में दांडी यात्रा में भाग लिया? तो अभी मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने सूरत में दांडी यात्रा में भाग लिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। देलात से सूरत तक 17 किलोमीटर तक की दांडी यात्रा मनाई गई है और इसमें शिवराज सिंह चौहान ने भाग लिया। अब मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने भाग लिया तो यह है मैप मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। अच्छा, भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदी बेन पटेल। मध्य प्रदेश में भी कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू हुई। जीवन शक्ति योजना और जीवन अमृत योजना ये दो योजनाएं मध्य प्रदेश में शुरू हुई।
एक जिला एक शिल्प अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ, और मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है उमरिया डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे बुजुर्गों की सहायता के लिए संकल्प योजना शुरू हुई है, और सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट मध्य प्रदेश में बन रहा है। अच्छा, मध्य प्रदेश में निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू हुई, प्रवासी श्रम आयोग का गठन मध्य प्रदेश में हुआ, इंतजार आपका अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ, ट्रूको टोको अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ, आसपास पहल भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। अच्छा, किल कोरोना अभियान भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में होने वाली राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप को स्थगित किया गया है? तो अभी झारखंड में राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप होनी थी, लेकिन 11 खिलाड़ियों की कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इसको अब स्थगित कर दिया गया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। अब झारखंड में हो रही थी, तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। और झारखंड की गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, झारखंड में अभी सरहुल और रोहिणी त्योहार मनाया गया। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना झारखंड में शुरू हुई। झारखंड के सोहराई और कोबर आर्ट को अभी जीआई टैग मिला गया, और बिरसा हरित ग्राम योजना भी झारखंड में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फाइनेंस ईयर 2022 के लिए विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी वृद्धि का कितना अनुमान लगाया है? तो वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी 10.1% रहने का अनुमान लगाया है वर्ल्ड बैंक ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में। और वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी भुवनेश्वर में 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आयुष मंत्रालय के सहयोग से विनोबा सेवा प्रतिष्ठान ने 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपने बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास एसएच मीट 2021 की घोषणा की है? तो अभी पाकिस्तान ने अपने बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास एसएच मीट 2021 की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें पाकिस्तान का एयरफोर्स, रॉयल सऊदी एयरफोर्स और अमेरिकन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो अभी बिहार 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य बना। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बिहार के राजगीर और बोधगया में हरित ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर है बिहार के, और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना है बिहार। अब बिहार तो ये है मैप में, बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, और बिहार के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया नेता नियुक्त किया गया है? तो अभी एग्नेस कैलमार्ड को एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया नेता नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअली में जो सऊदी पत्रकार की हत्या हुई थी उसके लिए यूएस की जो जांच टीम बनी थी उसकी ये नेतृत्व करता थी, और अब इनको एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया नेता नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम आप याद कर लीजिए, एग्नेस कैलवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने संपर्क रहित रुपे कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की? तो अभी यूनियन बैंक ने संपर्क रहित रुपे कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यूनियन बैंक हिंदुस्तान पेट्रोलियम के सहयोग से ये संपर्क रहित रुपे कार्ड लॉन्च करेगा। अब यूनियन बैंक करेगा, तो यूनियन बैंक की स्थापना कब हुई? 1919 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? राज किरण राय। कौन है? राज किरण राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश के हर गरीब के पास घर होने की घोषणा की है? तो अभी यूपी गवर्नमेंट ने 2022 तक यूपी के हर गरीब के पास घर होने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने जापान बैंक के साथ $1 बिलियन का ऋण समझौता किया है? तो अभी एसबीआई ने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन बैंक के साथ $1 बिलियन का ऋण समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब एसबीआई ने किया, तो एसबीआई की स्थापना कब हुई? 1955 में।
एसबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और एसबीआई के प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटानिया कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी उर्जित पटेल को ब्रिटानिया कंपनी का अतिरिक्त निदेशक अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित आर पटेल और एनी को ब्रिटानिया कंपनी का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में राजस्थान दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 23 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 का सरस्वती सम्मान किसे मिला है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESHRC, इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना, आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।